हाय, आप सबको इरशाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह हमने पहले सीखा था द प्रिजनर ऑफ जिंडा के बारे में, सारी मालूमात हमने हासिल की, उसके बारे में पढ़ा, इसी तरह आप लोग ने उसको भी बहुत पसंद किया। और इसी तरह मैं आज आपके लिए लाया हूँ बीकॉम पार्ट टू का कैश फ्लो, हाउ टू प्रिपेयर कैश फ्लो। हम इसके बारे में आज मालूमात हासिल करते हैं, इसकी देखते हैं कि बनता कैसे है, सीखते हैं हम। सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि सब इसमें सबसे पहले आएगा दी नेम ऑफ कंपनी, इसके बाद कैश फ्लो, ये एक पैटर्न है। इसके बाद सबसे पहले आएगी, इसमें तीन चीज़ें मेन हैं, कैश फ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जिसमें सबसे पहले हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एक तो आपको दी हुई हो तो ठीक, ना दी हुई हो तो ये आपको निकालनी पड़ेगी। और ये निकलेंगी कैसे, अब इसमें देखें, सबसे पहले रिटर्न अर्निंग एंडिंग वो आपको लेनी पड़ेगी, लेस रिटर्न अर्निंग ओपनिंग आप इसमें से लेस करेंगे। इसके बाद जो रकम आएगी उसमें आप डिविडेंड, इंटरेस्ट, टैक्स, रिजर्व, ये सब ऐड करके आपके पास क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये आपके पास निकल जाएंगी। इसके बाद आपको इनमें ऐड करने पड़ेंगे एडजस्टिंग फॉर नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम कौन कौन से होते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बैड डेब्ट्स, अमोर्टाइजेशन और गुडविल, ये आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी एक एक चीज़। और लेस लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स गुड, फिक्स गुड आप जब बेचें उसमें अगर आपको लॉस हो तो वो आप ऐड करेंगे, और अगर आपको प्रॉफिट हो तो आप लेस करेंगे, ये आपके पास यहाँ पे निकल जाएंगी। और वो आप ऐड या लेस जो है वो आप उसमें से करके क्या कर लेंगे, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। इसके बाद इंक्रीज इन करंट एसेट या आप लेस करेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट या आप ऐड करेंगे, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी ये आप ऐड करेंगे, और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी ये आप लेस कर लेंगे, आपके पास ये रकम निकल जाएगी और वो आप इसमें से लेस या ऐड कर लेंगे। फिर इसके बाद आपकी निकल जाएगी ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और इसके बाद जिस तरह हमने पहले यहाँ पे किया था के टैक्स एंड इंटरेस्ट हमने यहाँ पे ऐड किया था, इसी तरह हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे। इनकम टैक्स पेड जो आपने पेड किया होगा वो आप लेस कर लेंगे, और इंटरेस्ट पेड जो आपने किया होगा वो लेस कर देंगे इसमें से। इसी तरह आपका निकल जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद दूसरी बारी आती है कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें सबसे पहले आपकी आएगी सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, या आप ऐड कर लेंगे परचेज ऑफ फिक्स एसेट या आप लेस कर लेंगे, तो आपकी निकल जाएगी नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तीसरी बारी और लास्ट आती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जिसमें सबसे पहले आप लेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स, पेमेंट ऑफ बॉन्ड या डिबेंचर या मॉर्गेज जो भी हो वो आप लेस कर लेंगे इसमें, और कैश डिविडेंड पेड ये भी इसमें से आप क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो आपकी यहाँ पे जो रकम निकल जाएगी वो आप इन तीनों को ऐड करके या जो लेस हो वो आप करके या इसमें आपकी रकम आ जाएगी, और नेट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैश ड्यूरिंग ईयर ये आपके पास आ जाएगा। ये जब आपके पास यहाँ पे आ जाए तो आप यहाँ पे इसमें क्या ऐड कर लेंगे, कैश एट बिगनिंग जो कि आपके पास शुरू में कैश था, पैसे थे वो आपके पास, वो आप इसमें से ऐड कर लेंगे, और कैश एट एंड ये आपके पास रकम आ जाएगी। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जो कैश एट एंड आपके पास रकम आएगी वो आपके पास स्टेटमेंट में क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होगा, अगर दोनों मैच हो गए तो ये आपका सवाल सही है, और आपका अगर ये जवाब सेम नहीं आया तो गलत है। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।